स्लम या बस्ती, किसी भी शहर की हस्ती पर एक बदनुमा दाग माने जाते हैं। गरीबी और अपराध यहां अक्सर पनपते हैं। लाचारी, भुखमरी और बेबसी इन बस्तियों का स्वरूप दर्शाते हैं। नाजायज होने के कारण यह अक्सर तोड़ दी जाती है, जिसका हर्जाना यहां पर रहने वालों को भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक बस्ती की दास्तान आज हम बयां करने जा रहे हैं। यह केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सटी एक बस्ती है। आजीविका की तलाश में कई प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं। कम से कम यहाँ पर हमें 15-20 साल हो चुके हैं, धीरे धीरे हैं। 15-20 साल में रहने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि अगर रहने का थोड़ा बहुत अगर ठिकाना हुए हमारा, तो जो छोटे छोटे बच्चे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वो भी हमारे पढ़ सकें और मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे तो पेट पाल ही रहे अपना, देश छोड़ गए। बस सबसे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा रहने की प्रॉब्लम है। उसके बाद पानी और ये वैसी लाइट लूट है, तो ये तो भाई अब दूसरी जगह में तो हम ले नहीं सकते, अपनी जगह होती फिर तो। जो पढ़ना चाहते हैं वो भी गरीबी की वजह से आगे नहीं आ पाते। मजबूरी में या तो वो भीख मांगने लगते हैं या मजदूरी करने लग जाते हैं। मुरथल में मैं गया था, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। फिर वहाँ से मुझे चूज़ किया गया, फिर मैं स्टेट लेवल पर गया। फिर वहाँ पर मैंने स्टेट पर मैंने पेंटिंग बनाई थी, जो मैं वहाँ पर सेकंड आया था और मुझे कैश प्राइज मिला था 2000 रुपये। फिर मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। यहाँ पढ़ाई और रहने के मूल संसाधन भी मौजूद नहीं है। धीरे धीरे लोग इन्हीं झोपड़ियों को अपना घर समझने लगते हैं। जो भी सुख सुविधाएं चाहिए उन्हें जुटा लेते हैं। बस्तियों में हालात यह बन चुके हैं कि लोगों ने अपनी मजबूरियों को ही अपनी खुशियां बना लिया है। अब तो खुशी है, जिस तरह से टाइम पास हो रहा है उस तरह से ठीक ही है। लेकिन एक दिन सरकार की गाज गिरती है और इन बस्तियों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया जाता है। काम है झाड़ी ऊपर से 500 रुपये 300 रुपये, यहाँ इनको मिलती 150 रुपये, कहो पौने 200। जनानियाँ जाए बेचारी, उनको कहो 100 ही प्राप्त हो, वो भी कहते हैं जाओ आज नहीं करने। जब आज काम लगाए और हमें शाम को पैसे न मिले, 4 बच्चे हमारे संग है, बच्चों को क्या खवाएंगे। ऐसी ऐसी तो दिखते हैं, मगर ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करते हैं। हमें देखते देखते आज 35 साल हो गई,
इनको हटाने में सरकार द्वारा किए गए सार्थक प्रयास पूर्णता सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यह तो वहां पर रहने वाले लोगों की मानसिक सोच से बनती है और उसी सोच से खत्म भी हो सकती है। इनको खत्म करने के लिए सरकार को उनकी मानसिकता समझनी होगी। इस प्रकार के रहन सहन को परिवर्तित करने के लिए सरकार की सोच के साथ साथ इन बस्तियों में रहने वालों को भी अपने आवासीय चिंतन में परिवर्तन लाना होगा। क्या यह बस्तियां ऐसे ही बस्ती और उजड़ती रहेंगी? इस प्रश्न का उत्तर अब या तो वो सरकारें दे सकती हैं जिन्होंने इन्हें पहले बनने दिया और फिर उजाड़ भी दिया, या फिर उन लोगों की मानसिकता दे सकती है जो वहां पर रहते हैं, या वो समाज दे सकता है जहां आप और हम रहते हैं।